अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सबका। छुट्टी का दिन है, वो सारे काम करने हैं जो पूरे हफ्ते के जमा हुए हैं। किसी खानदान में शादी आती है तो लोग डांस प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं, और मैं प्रैक्टिस स्टार्ट कर रही हूँ मेकअप की। भाई की शादी है और मैं सोच रही हूँ मैं अब खुद ही तैयार हूँ, तो अब मैं रोज़ मुझे कीड़ा लगा था कि मैं नई नई टेक्निक सीखूँ मेकअप की। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद मैंने कहा बहुत ओके, चलो जी मुँह हाथ धोए। अब किचन में आई हूँ फ्रीज़र साफ़ करने, पता नहीं क्यों इतनी बर्फ़ जमा हुई हुई है इसमें, हालांकि इतनी लाइट जाती है। भर भर के मैंने ये बाउल निकाले, मैं कह रही इसमें स्नो कौन बन जाएगी। मैं भी किचन के अपने कामों में लगी ही हुई थी, और पीछे से जो है ना मेरे बच्चों ने फ्रीजर से निकले हुए खाने का क्या हाल किया, एजल ने सारे ये रेड बीन्स गिरा दिए। साफ करके फ्रीजर चीजें रखने लगी तो मुझे रैक्स नहीं मिल रहे थे, बाद में पता चला हुजैफा साहब उस पर अपनी गाड़ियाँ सजा के बैठे हुए हैं, और जिस पे एक बार हुजैफा को गाड़ियाँ वगैरह रख ले तो वो देखता ही नहीं है। फिर मैंने तो उसकी उम्मीद छोड़ दी, मैं चीजें ऐसी रख ली, किचन साफ किया पानी पानी हुआ हुआ था। फ्रीजर से ही निकले चावल, मुझे पता भी नहीं था मेरे फ्रीजर में पड़े हुए थे, तो मैंने सोचा इनको खा लेते हैं आज। बहुत ज्यादा फ्रीज हुए हुए तो वो मैंने वापस से रख दिया, बस एक प्लेट हल्की सी गर्म की अपने लिए। खाना वगैरह खा के फारिग होकर दोबारा गई हैं सफाइयों पे। मैंने इतनी शौक से ये प्लेन कलर की बेडशीट्स ली थी, ये और येलो में, मैंने कहा बस थीम रखेंगे, एक रूम की ब्लू में होगी एक ही गोल्डन में होगी। इन बेडशीट्स की जो हालत होती है लिटरली एक दिन भी नहीं रहती है, फिर मैं वही अपनी पुराने प्रिंटेड निकाल लेती हूँ। अब सोचती हूँ बच्चे बड़े होंगे ना फिर ये वाले चौंचले करूंगी। बच्चा अल्लाह हाफिज़।